तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यदि आपके मोबाइल में OTP प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप उसे कैसे सही कर सकते हो। तो आइए आपको बताते हैं कैसे आपको क्या करना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप अपनी मोबाइल को प्ले स्टोर को यहाँ से ओपन कर लेना है। तो देखिए हमने प्ले स्टोर को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आप में यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में आ जाना है और आपको यहाँ पर जीमेल को आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। यदि आपका जीमेल यहाँ से अपडेट करने के लिए कर रहा होगा तो आपको यहाँ से अपडेट कर देना है। तो इसके बाद आपको क्या करना, चलिए आपको बताते हैं। इसके बाद आपके अपने मोबाइल को मैसेज वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो चलिए मैसेज वाले ऑप्शन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस वाले मैसेज वाले ऑप्शन पर ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग जैसा ऑप्शन दिख सकते हैं। आपको पहले हम दिखा दें, जैसे सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए इस वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आप में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्वाइप करना है। इसके बाद आपको शो मैसेज ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यदि आपका ये ऑफ होगा तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि यदि आप किसी दूसरे मोबाइल से OTP अपने मोबाइल में मंगवाते हैं तो आपकी मोबाइल लॉक होती है। अगर आपका ये ऑफ होगा तो नहीं आएगी OTP, तो आपको इसे ऑन कर लेना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। इसके बाद आपको अपनी मोबाइल को यहाँ से सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो चलिए अपने मोबाइल को सेटिंग को यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए आप में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अबाउट फोन ऑप्शन शो हो रहा है। तो अबाउट फोन वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर जाना है। इसके बाद आपको यहां पर MIUI वर्जन का ऑप्शन शो हो रहा है। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस वाले ऑप्शन पर हमने देखिए यहाँ पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर चेक फॉर अपडेट्स का ऑप्शन शो हो रहा है। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको देख लेना है कि हमारे यहाँ से अपडेट नहीं करा है तो आपको यहाँ से अपडेट कर देना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। इसके बाद आपको अपनी मोबाइल को ऐप्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। तो चलिए आप पहले ऐप्स वाले ऑप्शन को यहाँ से हमने ओपन कर लिया। अगर आप अदर कंपनी के मोबाइल यूज करते हो तो आप में कुछ नीचे ऊपर देखने को सकता है ऐप मैनेजमेंट या मैनेज ऐप का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो फिर हम मैनेज ऐप वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आप में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना हम आपको बताते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है मैसेज। तो देखिए हमने यहाँ पर मैसेज को यहाँ पर सर्च कर देते हैं। तो देखिए मैसेज आपको यहाँ पर ओपन हो गया। तो बहुत सारे मैसेज ओपन हो गया। इसके बाद आपको इस वाले मैसेज अब जाना है, जैसे आप देख सकते हैं। तो इस वाले मैसेज पे आपको यहाँ पर जाना है। तो आप दोनों पे आप चल जाएगा, आप जो भी अलाउ नहीं आपको यही प्रोसेस इसमें भी करना है। इस मैसेज को यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। चलिए इस वाले मैसेज को यहाँ से ओपन हम कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए आप में कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डाटा यूजेज का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको जाना है। यदि आपका डाटा होगा, जैसे डाटा यूज जो किए उससे, तो आपको यहाँ से रीसेट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐप परमिशन का ऑप्शन शो हो रहा है। तो ऐप परमिशन वाले ऑप्शन पर जाना है और जो भी परमिशन अलाउ नहीं है आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। तो चलिए इस परमिशन को हम सारे अलाउ कर देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना हम आपको बताते हैं। इसके बाद आपके अपने मोबाइल को जो होम स्क्रीन पर आ जाना है। तो हम मोबाइल का होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। देखिए हमने होम स्क्रीन पर आ गए। इसके बाद आपको यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन शो हो रहा है। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। तो चलिए इस वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आप में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद जो भी सिम आप में डाटा है, जिसमें नेटवर्क आ रहा है सिम में, उस सिम को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद देखिए हम इस वाले सिम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना हम आपको बताते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन शो हो रहा है। इस वाले ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद यदि आपका प्रेफर 3G पे सेलेक्ट है तो आपको क्या करना है, प्रेफर्ड LTE पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप प्रेफर LTE पे तो आपको प्रेफर भी करना है, फिर दोबारा ये प्रेफर LTE पे कर लेना है। तो इसके बाद आपको क्या करना हम आपको बताते हैं। इसके बाद आपके अपने मोबाइल को जो पर एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन शो रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको जाना है और आपको यहाँ पर रीसेट कर देना है। तो इस रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो थोड़ा टाइम आप रुक जाएगा, आपकी जो नेटवर्क है आपका रीसेट हो जाएगा। कभी क्या होता है कि यदि आपके मोबाइल में नेटवर्क सही नहीं आता है तो इसके कारण भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर नेटवर्क रीसेट हो गया। तो अगर आप ये सेटिंग कर लेते हो तो आपके मोबाइल में जो OTP प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यदि आप को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।